वेलकम टू एलबी नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रैबर हयात। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो इसमें हमें जो ये स्टेटमेंट दे रखी है नीचे, इसको हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और उस आंसर्स का हमें जस्टिफिकेशन भी देना है, मतलब उसे साबित भी करना है। फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर जो होता है वो जितने टाइप्स के नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नंबर लाइन आपको पता है, 0, -1, -2, इस तरीके के जो हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। तो वो जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात की गई है, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द रूट एम, इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता है जो आपका 1 से स्टार्ट होता है, जो आपका 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें ये बात की गई है कि जितने भी नंबर लाइन होते हैं, नंबर लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं, वो क्या अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पे एम जो होता है, एम वहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर मतलब एम, वो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, फॉर एग्जाम्पल √2। लेकिन इसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ये आपको मैं आगे वीडियोज में बताऊंगा जब मैं दूसरी एक्सरसाइज करूंगा, दूसरे क्वेश्चन करूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमें बात की गई है कि सिर्फ यही नंबर्स होते हैं, पर आप देख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर तो आपका नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर भी हमें शो करना है, लेकिन एम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रूट एम जो है, अगर वो नेचुरल नंबर होगा तो हम उसे पॉइंट पे, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रूट एम के फॉर्म में हो, क्योंकि इंटीजर्स जो होता है आपका नेगेटिव में भी होता है, और नंबर लाइन पे हम नेगेटिव नंबर भी शो करते हैं। थर्ड एंड लास्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो आपका रियल नंबर जो होता है वो दोनों वैल्यूज, या तो रैशनल हो या इरेशनल हो, या उसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। लेकिन आपका जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में आपका दोनों इंक्लूड होता है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दोनों ही नंबर जो हैं आपके इंक्लूड होते हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे सिर्फ इरेशनल नंबर की बात की गई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रियल नंबर जो हों वो आपके इरेशनल नंबर ही हो, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉल्स। नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्या सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते तो आप उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर दे देता हूँ। तो आंसर इसका नो हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा नो, कि सारे स्क्वायर रूट जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल नंबर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके, फॉर एग्जाम्पल √4। अगर √4 को मैं इस तरीके से लिखूं, अंदर में 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक 2 बच जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, मान लो 16 ले लो, तो 4 × 4, तो ये भी क्या आ जाएगा, बाहर 4 आ जाएगा। 49 ले लो, नंबर 49। तो इस तरीके से आप कई सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। 7 × 7, तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और दोनों के नीचे ही हम 1 पुट कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर होगा ना, इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन।
तो इस क्वेश्चन में हमें रूट फाइव को जो है वो नंबर लाइन पे शो करना है। तो इससे सॉल्व करने से पहले आपको एक थ्योरम समझना पड़ेगा। ये किस तरीके से सॉल्व होगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये जो होता है आपका, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एक फॉर्मूला निकल कर आता है, एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और आपका पी जो होगा परपेंडिकुलर वो होगा वन, हमेशा जो होगा वो वन यूनिट होगा, वन यूनिट, वन स्क्वायर प्लस। तो अगर हमने यहाँ पे वन पुट कर दिया है तो हमें रूट फाइव निकालना है, रूट फाइव निकालना है तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट वन, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस टू का स्क्वायर आ जाएगा आपका फोर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट फाइव। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपकी रूट फाइव आ गई। हमें इसे नंबर लाइन पे शो करना है, जैसे कि क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि हमें जो है वो रूट फाइव जो है वो नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप इसमें कोई सी भी कहीं से भी जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे जीरो ले रहा हूं, तो इस तरफ आपका नेगेटिव हो जाएगा और इस तरफ आपका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका हो गया जीरो, ये आपका माइनस वन, माइनस टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो अगर आपका देखिए यहाँ पे जो है आपका, सबसे पहले हम बेस ले लेते हैं, तो बेस आपकी जो है वो टू यूनिट है। तो ये जो आपकी है यहाँ से लेके यहाँ तक वो वन स्केल जो है आपकी, वन स्केल कितनी यूनिट की है, वन स्केल वो है वन यूनिट डिस्टेंस, वन यूनिट, वन स्केल वन यूनिट। ओके, तो ये आपकी वन यूनिट हो गई। तो आपकी जीरो से लेके यहाँ तक की एक यूनिट हो गई और यहाँ की आपकी टू हो गई। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो हो गया आपका बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। इसको हम नाम भी दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ओ, इसको ओ मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो आपका ये बेस हो गया और फिर बेस से आपको परपेंडिकुलर लेना है वन, वन यूनिट आपको परपेंडिकुलर लेना है। तो ये आपका वन यूनिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल जब आप स्केल से सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आप स्केल से जब शो करेंगे इसे तो वन यूनिट आप शो कर सकते हैं, ठीक है, वन सेंटीमीटर। फिर आपका जब यहाँ पे, जहाँ पे भी ये वन यूनिट हो इसको सी पॉइंट दे दें, और इस सी और ये ओ पॉइंट को, या पी कह दें क्योंकि ये जीरो और ओ जो है वो मिक्स हो जाएगा, इसको मान लें आप पी कह दें, पी। तो सी और पी को जो है आप जब आप मिला देंगे, ये सी और पी को जो है आप मिला दीजिए, तो ये जो आपका निकल कर आएगा ये आएगा रूट फाइव। ये आपका टू हो गया, टू यूनिट, ये वन यूनिट हो गया आपका, वन यूनिट, और ये रूट फाइव आके निकल गया। लेकिन हमें जो है इस ट्रायंगल के हेल्प से इस नंबर लाइन पे, ये जो आपकी ग्रीन लाइन है इस पे हमें रूट फाइव शो करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है अपना कंपास लेंगे, कंपास की जो आपकी निप है उसको आप यहाँ रखेंगे, कंपास की निप इस पॉइंट पर रखेंगे और पेंसिल को इतना खोल लेंगे, इस पॉइंट तक खोल लेंगे, ठीक है। और फिर जब आप इसको खोल लेंगे, फिर इस पॉइंट पे आप जो है इसको ऐसे जो है वो मीट करवा देंगे, इस तरीके से कट आएगा आपका। तो जहाँ पे भी इस लाइन पे वो मीट करेगा, जहाँ पे भी वो टच करेगा लाइन को, जहाँ पे भी आपका ये टच करेगा वो आपका रूट फाइव हो जाएगा। ओके, इसको मैं डी पॉइंट दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं डी पॉइंट कह रहा हूँ, ये जो आपका टच कर रहा है पॉइंट इसको डी कह रहा हूँ। तो आपका निकल कर आ जाएगा कि पी से लेकर डी तक, पी डी जो हो जाएगा वो रूट फाइव हो जाएगा, या फिर आपका जो डी पॉइंट है वो रूट फाइव हो जाएगा। ओके, और अगर हम देखें भी यहाँ पे, तो जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका पी सी और पी डी जो होगा वो इक्वल होगा, पी सी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू रूट फाइव। That's all for this video. अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।